डियर स्टूडेंट्स, उस दिन हमने डिस्कस किया था टॉपिक प्रोस्पेंटी टू कंज्यूम। आज हमारे पास टॉपिक है प्रोस्पेंटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो सेविंग और नेशनल इनकम के फंक्शनल रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेंटी टू सेव। एस इज इक्वल टू एफ वाई। एस इज अ सेविंग, एफ फंक्शन, वाई इनकम। तो इसके बाद प्रोस्पेंटी टू सेव जो है टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे प्रोस्पेंटी टू कंज्यूम डिवाइड होता था, ऐसे ही ये डिवाइड होगा प्रोस्पेंटी टू सेव। नंबर वन एवरेज प्रोस्पेंटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोस्पेंटी टू सेव। पहले हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रोस्पेंटी टू सेव क्या होता है। एवरेज प्रोस्पेंटी टू सेव होता है इज द रेशियो ऑफ सेविंग इन द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मीन्स सेविंग को इनकम के साथ डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका एवरेज प्रोस्पेंटी टू सेव। तो इसकी एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम है 1000, इसमें से आपने सेविंग कितनी कर दी है 200। तो एपीएस कितना आएगा? 200 डिवाइडिंग बाय 1000। जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ जीरो कट, तो ये आपका कितना आंसर आ गया? 0.2 आपकी क्या आ गई? एवरेज प्रोस्पेंटी टू सेव। तो ऐसे ही एक हमने ये स्केड्यूल बनाकर मैं आपको समझा देता हूँ। इनकम आपकी जीरो है, सेविंग आपकी -40 है। अगर इनकम जीरो है, सेविंग -40 है, दैट मीन्स जीरो को -40 के साथ आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो ही, कुछ नहीं आएगा। ये इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। और आपकी जो इनकम है वो है 100 और सेविंग है -20, तो क्या करेंगे? -20 डिवाइडिंग बाय 100, जीरो के साथ जीरो कट, तो ये कितना आ गया? -0.2 आपकी सेविंग आ गई। 200 को आपने जीरो के साथ डिवाइड कर दिया, ये भी ऐसे ही रह जाएगा। तो इसके बाद 300 को आपने डिवाइड किया, 20 को डिवाइड किया